बोलिए। अच्छा, मैं रॉय बोल रहा था, ऐसे ही हूँ, एनपीपी का सिटी सर्विस इंचार्ज हूँ इंदौर का। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। आपने एक शिकायत देख रहा था मैं, तो हाँ वो डिटेल में शायद उस सेम हेल्पलाइन में फीचर हाँ सेम के हेल्पलाइन में संबंध भी में थी, और मैं आपके ऑफिस में भी देखा कि गया था। मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा, मेरे साथ मुलाकात भी होगी आपकी, तो हाँ वही मैं आज सुबह देख रहा था उसको, तो ये मैं देखा दूसरा फोन आता टेस्ट हो जा रहा हूँ, तो ये एक तो मीटर रीडर की गलती तो मुझे दिखी है, जो मैं देख रहा था, मैं इसको मीटर हाँ रीडर बदमाश दिख रहे हैं मेरे को, गौरव, जो गौरव राठौर के बारे में गौरव आपने राठौर शिकायत करके। करी हाँ है। हाँ नहीं, वो मैं देखी, मैं खुद अभी बात करी मैंने, तो वो क्या है, 13 तारीख को शायद वो मेरे ऑफिस में आई, मैंने देखी नहीं मेरे अपने आंखों के सामने, मैं तो एक बार उसका आया था। जवाब देख रहा था, हाँ हाँ उसका जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हुआ आगे की, वो उसने कार्रवाई नहीं करी, मैं उसको निकाल देता हूँ आज, तो मैं उसको बोल दिया मैंने यही को आके। तो जहाँ तक मीटर रीडिंग का सवाल है, रीडिंग इकट्ठी होगी, वो इकट्ठी होकर जो आई है वो मैं आपको किस्त करवा देता हूँ, किया कि नहीं उन लोगों ने? अब वो बोलते हैं कि, अब देखो सबसे पहली बात ये थी कि हमारे को एक ही महीने के अंदर 6022 यूनिट का बिल आया, मतलब एवरेज एक दिन का हाँ, यूनिट वो मैं 201 आपको यूनिट बताऊँ का। वो होता क्या जी। हाँ, तो तो मैं वो ऊपर लगी होगी मीटर, वो 10 in 1 वाले जो पहले की कंपनी ने केसिंग लगाई थी, वो पहले मीटर रीडर रीडिंग दी नहीं, कई जगह से शिकायत आई है मेरे को, खजराना में भी बहुत सारे आई, वहाँ ढेर सारे थे, तो वो रीडिंग लेते नहीं थे ऊपर चढ़ के, तो वो उतार उतार के जब दिया तो रीडिंग इकट्ठी हो गई। अब ये इकट्ठी रीडिंग हो गई, वो एक प्रॉब्लम खड़ी जाती है, उसका अपन क्या करें? हाँ तो अपन जो भी रीडिंग की बिल आई है उसको अपन सहूलियत दे के, या तो थोड़ा क्रेडिट कर देता हूँ, क्रेडिट कर दिया होगा उसे स्लैब बेनिफिट दे के, तो वो अपन क्रेडिट दे देते हैं और थोड़ा किस्त करवा देते हैं उसका आपका, ठीक तो अब इसमें जैसे आप बताइए कि है? अपना जो एक ही महीने के अंदर जो बिल आया लगभग 51,000, तो ये था उसमें जो एक हाँ, मेरा बिल में, मतलब उसमें एक अमाउंट अपना पिछले लास्ट मंथ का जो था 1,000 यूनिट का आया था, मतलब टोटल मेरे को 7,000 यूनिट का बिल आया था, जिसमें से 1,000 यूनिट का बिल मैंने भर दिया था उसके अंदर, है ना। अब और ये 6,000 यूनिट वाला जब बिल आया था, तो मैंने हमारे इधर के लाइनमैन से बात करी थी कि मैंने बोला भैया ये क्या, पहले अपन जो अपने डेली अपने को दिखता है अपन उससे बात करेंगे। तो मैंने उसको बोला कि मैंने बोला ये क्या है, तो वो बोलता यार ये हमारे ही बंदे की मिस्टेक है यार, पर बोले ऐसा है कि अब आपको बिल तो भरना ही पड़ेगा। वो मेरे से मतलब कुछ मिसबिहेव कर रहा था, उल्टी बात कर रहा था मेरे से। तो मैंने उसको समझाया तो वो मेरे से उल्टी बात करने लगा। मैंने बोला ठीक है, और वो हमारे एरिया में बहुत से लोगों ने उन लोगों को पैसे भी दिए हैं ये सेटलमेंट के, जैसा कि मैंने कंप्लेंट में लिखा हुआ है, नहीं मतलब नहीं जब ठीक है, जरूरी भी जागरूकता होना भी जरूरी है, हाँ देखिए अब वही वो चीजें जो है मीटर रीडर को फालतू बात करना भी नहीं चाहिए, जो हाँ भी चीजें हैं वहाँ के वो जो बल्कि इंचार्ज मुझे है ऐसा उसको बता रहा साफ था कि करना। जैसे हमारी मिस्टेक है कि हम ऊपर चढ़ करके हमने रीडिंग नहीं ली प्रॉपर तरीके से, अब ये तो हमारा काम है नहीं। हाँ, नहीं, ये काम आपका थोड़ी है, हाँ वही तो मीटर रीडर गलत तो है, उसको तो हटा रहा हूँ मैं, वो तो मैं आज ही उसको हटवा दूंगा, उनने नहीं हटाया, वो गलती करी है, तो वो मैं उसको हटवा देता हूँ, और जो रीडिंग का जो है, जो बिल आया है, वो हाँ मैंने लेबोरेटरी का टेस्ट रिपोर्ट भी देखा मैंने, तो उसमें जो किलोवाट आवर के जो रीडिंग का जो कंजम्पशन देख रहा था हाँ वो ठीक है, मतलब वो 5 होना चाहिए, 4.9 कुछ समथिंग आ रहा है, तो किलोवाट आवर के हिसाब से ठीक है, मैं इसको एक काम कर सकता हूँ, जो स्लैब बेनिफिट जो है टुकड़ों करके जो है हाँ उसको करके मैं बिल जो भी है फाइनल रिवाइज कर देता हूँ, और इसको अपन किस्त करवा लेते हैं, तो इसमें क्योंकि इसमें आप कितना वो डिस्काउंट हो रहा है और क्या किस्त होगी, आप उसका बताइए मुझे जरा। हाँ वो मैं उनको बोल देता हूँ आज थोड़ी सी, और यही को मैं पर्सनली भी मिलेगा, मैं बात कर लूंगा उससे, जो हाँ भी है क्योंकि अपन देखिए, अपन ये भी नहीं कर सकते कि अपने कंपनी को भी घाटे में रखे, नहीं वो बात भी, और देखो जो अपन ये हमने, भी नहीं कर मैं तो सकते खुद कि बोल रहा हूँ कि आपके जो, साथ अन्याय हो हाँ वही मैं तो खुद बोल रहा जी। हूँ कि देखो हमने जो ले हम तो उसके लिए बिल्कुल देने के लिए बैठे, पर जो नहीं अभी नहीं नहीं आपको कन्विंस कर सकते, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो आपने वो जो चीज मुझे बदमाश है वो दिख रहा है मेरे को, तो वो तो मैं कार्रवाई कर दूंगा आज में, और हाँ मैं उसको यही को बोल देता हूँ, जो मैक्सिमम हो सकता है जो आपको नुकसान हो रहा है, जो स्लैब बेनिफिट दे सकता हूँ वो मैं दिलवा दूंगा आपको मैं, और भी ज्यादा दिखता है तो मैं उसको अपन उसको किस्त करवा अभी देंगे मैंने मालूम उसको। आपके ये जो पोलो ग्राउंड वाला ऑफिस है वहाँ पे पूरे 1 से 1.5 महीने राउंड काटे हैं, क्योंकि मैं सबसे तो पहले, मेरे से तो बात करना चाहिए ना मैं आपको, आपको बता रहा हूँ वही कि मैं पहले है ना 4 दिन तक तो मैं एमडी साहब से नहीं मिलने मैं के लिए देखिए, था। मेरे को मोस्टली लोग मेरे को जानते हैं, पेपर में मेरा नाम आता रहता था, आपको मेरे से भी बात करते तो ये प्रॉब्लम मैं मैं पहले ही सॉर्ट आपके आउट कर आपके देता, केबिन में इसके भी, लिए सहन होते ही नहीं। आपके केबिन के बाहर भी मैं 2 दिन बैठ करके गया था। एक बार आप एमडी साहब से मीटिंग में गए हुए थे तो मैं हाँ, वहाँ, वो एक्चुअली क्या होता है कि मैं मीटिंग में चले जाता हूँ, अभी भी मैं जा रहा हूँ मीटिंग में, मैं हाँ बैठता भरा हूँ,
वो उस हाँ या तो ऐसा करें हाँ आज 2 बजे करीबन भी आप आ सके तो आ जाओ, वहाँ हमारी मेरी असिस्टेंट इंजीनियर है जो हमने ज्योति करके, मैं उसको बोल दूंगा मैं, है ना, वो फॉलो अप करके आपको एक फाइनल एक बिल अपन एक सेटिस्फेक्शन बनवा लेंगे। ठीक है देख लीजिए, तो ज्योति करके मैं उसको बोल दूंगा, मैं मेरे असिस्टेंट है, एक आध दिन में उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देता है और आपको जो मीटर रीडर है उसको मैं बाहर कर देता हूँ, और फिर दोबारा कभी दिखे ना थोड़ा सा मेरे को आप इंटीमेट करना। हाँ, वो आपको मैं एक बात और पर्सनली बताता हूँ कि वो रहता हमारी कॉलोनी में ही है, तो यहाँ करके किसी 2-3 पहलवानों को भी लेकर के आया था वो, तो मैंने बोला भैया आप तुम किसी को भी लेकर के आओ अपने को। नहीं 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 वो मैं बेटा मैं आपका पूरा साथ दूंगा, मेरे को ऐसे लोग पसंद भी नहीं है। हाँ और मैंने सुबह भी मैं अपने यही को बोला, मैंने कैसे घुमा फिरा, जवाब नहीं चाहिए, उसकी गलती नहीं है, ये नहीं है, साला गलत है वो। हाँ घरेलू बिजली चला रहे, हमको बड़ी फैक्ट्री है, मान लो अली नहीं आपको अली कोई मदद करने के लिए बोला तो मदद करे, परेशान क्यों करे, आदमी किसी को बोलता मदद बोलता है तो परेशान क्यों थोड़े बोलता। अभी हमने भी अपने और गलती करी उसके, वही वही हमने भी इतनी कंप्लेंट करी जब हमको मतलब उनकी गलती की सजा हमको भुगतना पड़ रही है, आज हम उनके लिए कोई बात नहीं, मैंने आपसे बात कर ली, मेरा नंबर है ना, और कभी भी आप अभी मैं उसको बोल दूंगा आपको, हाँ तो मैं उसको अपन उसको सॉर्ट आउट करते हैं एक दो दिन में, ठीक है ना। ठीक ठीक ओके, मैं करवा देता हूँ, और ये मेरा नंबर है, कभी दिक्कत हो तो मेरे से आप बात कर लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। उसको और उसको हटा देता हूँ, और कभी दिखे ना दोबारा तो मुझे थोड़ा सा फोन करिए, लोगों ने साले ने फिर उसको रख दिया, तो मेरे को कोई भरोसा नहीं रहता है। हाँ वो बात भी सही है, आप देखने तो आ नहीं पाएंगे एरिया में इधर क्या चल रहा है, वो बहुत सारे लोग हटा देता हूँ, पर फिर दोबारा पता नहीं कहाँ कहाँ इस कोने से उस कोने चले जाते हैं, वो क्या करूँगी। हाँ नहीं प्रॉब्लम है सारी। हाँ बिल्कुल सही, क्या ठीक है अपन देखेंगे उसको, है ना। थी, थी, थी। और मैं यही को बोल दूंगा मैं, वो हाँ। आपसे बात भी कर लेगी, और फाइनल भी मैं उसको बोल दूंगा, बनवा के आपको बता दूंगा। ठीक है ठीक ठीक ओके, थैंक यू सर।